दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिफ्लेक्टर के बारे में जानेंगे, रिफ्लेक्टर के हमें क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, रिफ्लेक्टर से हम किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल सा रिफ्लेक्टर जो आपको फोटोशूट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसका उपयोग आपको आउटडोर में जरूरी होता है। तो रिफ्लेक्टर के हमें दो तीन यूज़ मिल सकते हैं, एक तो है सिल्वर बेस, इसके बाद हम इसको इस बैक पलटाते हैं तो इसमें आपको मिलेगा ब्लैक कलर। ब्लैक कलर के बाद आप इसको खोलते हैं तो इसके अंदर से हमें एक वेरिएशन और मिलेगा जिसको हम अलग से यूज़ कर सकते हैं। के अंदर से हमें मिलेगा एक शेडो काटने के लिए और एक हमें मिलेगा गोल्डन कलर का। तो हम इन सारे चीज़ों को अप्लाई करके भी देखते हैं और एक शूट भी हम इसके साथ में करते हैं कि हमें रिफ्लेक्टर यूज़ करने से हमारी फोटोग्राफी में कितना परिवर्तन आता है और कितना हमें इसके एडवांटेज मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सब्जेक्ट के रूप में आज हमारे साथ में प्रीति राठौर जी। हेलो गाइस, आई एम प्रीति राठौर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम सिल्वर बेस को यूज़ करेंगे। सिल्वर बेस से हमारी फोटोग्राफी किस टाइप की बन रही है। तो कैमरा सेट है हमारा, ISO अपर्चर वगैरह सब कुछ चेक किया हमने और हमने सिल्वर बेस पे फोटो क्लिक किया है। नाइस, वन मोर स्माइली, वन क्लिक और एक और हम क्लोजअप शॉट लेंगे। थोड़ा सा रिफ्लेक्टर को थोड़ा हिलाओ, स्माइली, वेरी नाइस। थोड़ा फ्रंट लाओ, हाथ को फ्रंट लाओ, थक गए, हाँ बस ओके, स्माइली ओके। हमने सिल्वर यूज़ किया, अब सिल्वर के बाद हम रिफ्लेक्टर को पलटाएंगे और इसके बाद हम गोल्डन को यूज़ करेंगे। गोल्डन में हमारी फोटोग्राफी कैसे बनती है इसको हम पूरा पलटा लेंगे और पलटाने के बाद हमें गोल्डन में क्या मिलता है हम उसको चेक करेंगे एक बार। दो मिनट हमारा गोल्डन रिफ्लेक्टर रेडी है। अब गोल्डन को हम यूज़ करेंगे नए पोज के साथ में, नई लोकेशन के साथ में। रेडी, फेस टर्न। अब दूसरा पोज हम ले रहे हैं गोल्डन पर। गोल्डन पर हमारे पिक्चर कैसी आती है हम उसको देखेंगे। हमारे हमने इसमें ना ही हमने केल्विन सेट किया ना कुछ किया, जो हमारा प्रॉपर था वही रखा है हमने। एक क्लिक और लेंगे हम वंस मोर, गुड, यस, रेडी, स्माइली, दोस्तों गोल्डन रिफ्लेक्टर में हमने ये यूज किया था। गोल्डन रिफ्लेक्टर से हमारी फोटो कैसी बनी है ये हमने देखा। अब हम इसको एक और नए यूज लेंगे। दोस्तों अब हम रिफ्लेक्टर को यूज़ करेंगे धूप में। धूप में तो हम इसलिए अब तक यूज़ कर रहे थे, हमारा सब्जेक्ट लाइट डार्क में है और हम धूप से हमारा रिफ्लेक्ट करवा के हमको उसके फेस की रोशनी बढ़ा रहे थे। अब लेकिन हमारा सब्जेक्ट ही अगर धूप में है तो हम रिफ्लेक्टर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट के आधे फेस पर शेडो आ रही है, आधे फेस पर हमें थोड़ी सी ज़्यादा लाइट दिख रही है। तो हमको दोनों को कवर करने के लिए हमें रिफ्लेक्टर को इनके हेड पर ले जाना पड़ेगा और इसकी जो शेडो आएगी उससे हमें हमारे सब्जेक्ट को कवर करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्टर का एक ये यूज़ भी होता है। लाइए, दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमें बैकग्राउंड अच्छा नहीं मिल रहा और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम बाद में एडिटिंग करेंगे तो इसको कैसे करेंगे। तो रिफ्लेक्टर का यूज़ आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि बैकग्राउंड सबसे अच्छा होता है हमारे लिए वाइट। तो वाइट बैकग्राउंड का हमारे रिफ्लेक्टर में मिलता है हम, तो बैकग्राउंड के हमें सब्जेक्ट के पीछे हम वाइट बैकग्राउंड को खड़ा कर सकते हैं हमारे रिफ्लेक्टर के रूप में और हम फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो एक क्लिक करके मैं आपको इस बैकग्राउंड में बताता हूँ कि वाइट में हमारा फोटो कैसे आता है। थोड़ा रिफ्लेक्टर ऊपर करो, थोड़ा ऊपर करिए, हाँ अब स्माइली, समय समय पर आप कैमरे की आपके सेटिंग चेंज करते रहिए। अगर आपको लगता है कि आपका येलो ब्लू या अगर कुछ आ रहा है उसके लिए मैंने एक टॉपिक पहले बना रखा है तो आप उस टॉपिक को देखिए, उस सब्जेक्ट को समझिए और आपका केल्विन सेट करते रहिए। यस, वन क्लिक, थोड़ा रिफ्लेक्टर नीचे करो, थोड़ा सा नीचे करो, यस, स्माइली, नाइस, वन मोर स्माइली, ओके, नाइस।
तो रिफ्लेक्टर को हम वापस से पलटाएंगे और इसमें हमने व्हाइट यूज़ कर लिया है, हमने गोल्डन यूज़ कर लिया, हमने सिल्वर यूज़ कर लिया, अब सिल्वर के बाद हम ब्लैक यूज़ करेंगे। तो ब्लैक में हमारी पिक्चर और हमारे एक बैकग्राउंड और मिल जाएगा। रिफ्लेक्टर होता एक नाम है लेकिन इसके सब्जेक्ट होते 5, कम से कम 5 तो आपको यूज़ करना चाहिए, और भी बहुत सारे होते हैं जो हम अगले वीडियो में समझेंगे। ये ब्लैक रिफ्लेक्टर रेडी है हमारा। चलो नेक्स्ट दोस्तों, ब्लैक बैकग्राउंड को हम यूज़ कर रहे हैं कि ब्लैक बैकग्राउंड हमें कहाँ मिलता नहीं मिलता है, तो हम रिफ्लेक्टर में हमको ब्लैक बैकग्राउंड मिल जाता है, ब्लैक बैकग्राउंड का भी हम यूज़ करते हैं। और एक लिख लेते हैं स्माइली। लुकेट कैमरा स्माइली, नाइस, ओके परफेक्ट। दोस्तों रिफ्लेक्टर यूज़ करने का एक तरीका ये भी है कि हम रिफ्लेक्टर को नीचे बिछा सकते हैं, जिससे हमारे मॉडल के ड्रेसेस के जो भी आपका सब्जेक्ट है, कपल है, किसका भी शूट कर रहे हैं, तो उससे ड्रेस ख़राब नहीं होगा और उसका ग्लो जो है रिफ्लेक्टर का वो फेस पर भी आएगा। एक क्लिक करके देखते हैं हम। यस वन मोर, नाइस, परफेक्ट। दोस्तों देखा हमने कि रिफ्लेक्टर के किस तरीके से यूज़ हो सकते हैं, और रिफ्लेक्टर से हम 4-5 पोज बना सकते हैं और हमें अलग अलग क्रिएटिविटी में फोटोग्राफी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहे नए नए फोटोग्राफी टिप्स के साथ में। फिर मिलते हैं एक नए अच्छी क्रिएटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड डे।